अगर ये आप लोगों के साथ भी होता है ना तो मुझे जरूर बताना कि हम जिम की मेंबरशिप ले तो लेते हैं लेकिन जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि आज योगा ट्राई करते हैं। बाकी सब तो ओके था लेकिन शीर्षासन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट आखिरी में मैंने वो भी कर ही लिया। फिर हम बनाएंगे अपने लिए बीटरूट और ककड़ी का जूस, है ना, मुझे मम्मी ने बताया था कि ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और मैंने ये रोज नहीं पीती, आज पहली बार पी रही हूं। और ये जूस दिखने में जितना अच्छा लग रहा था ना उतना पीने में नहीं था। अब इतना सब कर ही लिया है तो सोचा कि स्किन केयर और हेयर केयर क्यों ना किया जाए, इसलिए मैं बालों पर लगा रही हूँ राइस वाटर और फेस पर हल्दी और बेसन का ले। जब तक ये सूखता है पानी गर्म कर नहा लेते हैं। और नहाने के बाद जब मैं किचन में गई तो क्या देखती हूँ कि भाई आज नाश्ता बना रहा है, पता नहीं सूरज आज कहाँ से निकला है। नाश्ते में तर्री पोहा। चलो अब फटाफट से थाली में तर्री पोहा लेते हैं क्योंकि मुझसे ना अब वेट नहीं हो रहा है। अच्छी तो बनी है यार, कोई तो काम जिंदगी में अच्छी है। सुने, शाबाश शाबाश।